एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमें फैक्टराइज करना है। ये दिया हुआ है 8a³ 27b³ 36a²b 54ab² ए क्यूब बी क्यूब दिया हुआ है, समझ जाओ कि क्यूब वाली ही आइडेंटिटी लगेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं ए क्यूब और बी क्यूब की फॉर्म में। तो इसे 2a का होल क्यूब लिखा जा सकता है क्योंकि 2 का क्यूब 8 है, और इसे 3b का होल क्यूब लिखा जा सकता है क्योंकि 27 क्या होता है, 3 का क्यूब। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ। ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी में मेरे पास मुझे मिलता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab² ये मैंने ये वाली आइडेंटिटी इसलिए लिखी है 3ab a प्लस बी ना लिख के, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में होता 3ab और a प्लस बी की फॉर्म में, तो मैं उस फॉर्म में आइडेंटिटी लिख लेता। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, हम यहाँ पे आराम से बना सकते हैं इसे। इसे अगर मैं दोबारा लिखूं यहाँ पे, तो 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस, अब यहां देखो मेरे पास ए स्क्वायर मिल रहा है, बी मिल रहा है। ए स्क्वायर मतलब इस टर्म का स्क्वायर होना है, तो फॉर्मूले में मेरे पास है 3 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर इंटू बी, बी क्या है मेरे पास 3b, ये है ना 3a²b, तो 3a²b। यहां पे भी देखो ए स्क्वायर की टर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर होना है प्लस, अब दूसरे में मेरे पास ये है ए बी स्क्वायर, मतलब बी वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर होना है, तो 3 इंटू ए क्या है 2a, और बी स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करके देख लो, चाहे अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो 9 इंटू 6 ए इंटू बी स्क्वायर 54ab², और यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 इंटू 4 इंटू 3 12 3 36 a²b ये बन जाता है। तो जब मैंने इसे एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख दिया, तो अब मैं इसे लिख सकता हूं डायरेक्टली 2a प्लस 3b का होल क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है इफ x प्लस y इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 27 फाइंड x³ प्लस y³, हमें ये वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब मेरे पास x प्लस y की वैल्यू और x³ y³ किस में आएगा, x प्लस y के होल क्यूब में, तो मैं सिंपल x प्लस y का होल क्यूब लिखूंगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस y, ठीक है। अब यहां पे देखो x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 12, तो ये मैंने लिख दिया 12 का क्यूब। ये वैल्यू मुझे निकालनी है, इसे मैंने ऐसे ही रखा। एक्स वाई की वैल्यू मुझे दे रखी है 27 और एक्स प्लस वाई मुझे दिया हुआ है 12, इसे इधर लाके माइनस कर दो, 12³ माइनस 3 × 27 × 12 इज इक्वल टू x³ प्लस y³। 12 यहां से कॉमन ले लो, ये आ जाता है 12² माइनस 3 × 27 इज इक्वल टू x³ प्लस y³। आगे सॉल्व करें अगर हम इसे, तो 12 × 144 माइनस 3 × 27 कितना आ जाता है 81 इज इक्वल टू x³ प्लस y³, तो ये आ जाता है 12 × 63 इज इक्वल टू x³ प्लस y³, और ये हमें जो मिलता है 756 आ जाता है x³ प्लस y³। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मुझे दी हुई है वैल्यू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9, एक काम करते हैं इस ये वैल्यू हम ले लेते हैं 3, फाइंड x² प्लस 1/x², ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो इसका होल स्क्वायर कर लो, फॉर्मूला खोल लो, a² प्लस b² प्लस 2a × b, तो ये कैंसिल कर देगा, ये हो जाता है 9, तो ये वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 2 क्या करो माइनस कर दो, 7 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है। ऐसी अगर हमसे बोल दिया जाता है यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, और हमें बोल दिया फाइंड x⁴ प्लस 1 upon x⁴, तो हमने क्या निकाला है यहाँ पे x² प्लस 1/x² निकाला है। अगर आप इसी का स्क्वायर करोगे तो x⁴ आ जाएगा, तो x² प्लस 1/x² का हम क्या करें स्क्वायर कर दें,
इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 49 नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। तो ये होता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होगा 49 हो गया। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 कितना आएगा, 49 से माइनस कर दो 2 को, 47 हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। एक और आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हमारे पास है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी गिवन है। अब यहीं पे एक चीज हम देखें, एक और आइडेंटिटी हमें मिलती है, अगर मैं कहूं इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो, अगर आप इसे जीरो कर देते हो तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा और मुझे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज जीरो और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी हम इसे प्रूव भी करेंगे। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मतलब अगर x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी जीरो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc होगा। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, पहले हम इसे प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो और हमें प्रूव क्या करना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है हम उसी में क्या करते हैं माइनस जेड कर देते हैं इसे इधर ले जाके और इसका क्या करते हैं दोनों साइड क्यूब कर देते हैं और क्यूब करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यहाँ पे रहेगा ये माइनस जेड क्यूब। उसके बाद हमने क्या करा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और यहाँ पे हमने क्या रख दिया माइनस जेड रख दिया क्योंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है माइनस जेड है इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब आ गया। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अभी क्या करो जेड क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाता है और जब हम माइनस 3xyz को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये प्लस 3xyz हो जाएगा। ये ही हमें लेके आना था। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 5 ये हमें गिवन है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज 10 then prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is minus 25। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। अब मेरे पास a cube plus b cube plus c cube minus 3abc की जो आइडेंटिटी है वो क्या है a plus b plus c अभी हमने पढ़ी है और यहाँ पे a square बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, मतलब अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो ये सब क्या बन जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू भी गिवन है 5 और 10, लेकिन मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है तो ये वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। वो निकलेगी कहाँ से, हमारे पास एक और फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहां पे हमने a प्लस बी प्लस सी की जगह तो रख दिया 5, ये वैल्यू मुझे निकालनी है प्लस 2 इंटू इसकी जगह हमने रख दिया 10, तो ये कितना आ गया 25
और ये हो गया 20, तो -20 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। अब हम क्या करें, यहां फॉर्मूले में वैल्यूज रखें, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 10, तो ये कितना आ जाता है, 5 × -5 इज इक्वल टू -25। यही हमें प्रूव करना था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज -25 है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3 प्रूव करना है। और गिवन क्या है हमें, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 0, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, जबकि ए बी सी सारे क्या है, नॉन जीरो है, ये हमें गिवन है, प्रूव करना है अब हमें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी सी बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस की फॉर्म में बना ले। तो ए क्यूब बनाने के लिए ए की मल्टीप्लाई करी तो मैंने डिवाइड भी ए से कर दिया, बी की मल्टीप्लाई करी बी से ही डिवाइड कर दिया, सी की मल्टीप्लाई करी और सी से ही डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या बना, ए क्यूब, नीचे बना ए बी सी प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या आया, ए बी सी आया और यहां बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो मैं इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 3abc लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इज 0, ये गिवन है। तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड वही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब, और अपॉन में दिया हुआ है मुझे ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि आंसर में हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डिनोमिनेटर सॉल्व करूंगा। तो अभी हम क्या करते हैं, न्यूमिरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए, मैंने लेट कर लिया, लेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज पी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज क्यू और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज आर। और मैं चेक कर रहा हूं क्या P प्लस क्यू प्लस आर 0 है, ये मुझे चेक करना है। तो वैल्यू रख लेता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो 0 आ गया। ठीक है, तो P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, हेंस पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3pqr होगा। और अगर मैं 3pqr रखता हूँ न्यूमरेटर में तो वो क्या बन जाएगा, p की वैल्यू मैंने क्या ली है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाता है 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और q की जगह क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और r की जगह क्या आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी मैंने, तो इसे हम याद रखते हैं, ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, a माइनस बी होल क्यूब b माइनस सी होल क्यूब c माइनस ए होल क्यूब, ये मेरा डिनोमिनेटर है। तो मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू a माइनस बी, y इज इक्वल टू b माइनस सी, z इज इक्वल टू c माइनस ए, और मैं चेक करूंगा कि x प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या है। तो a माइनस बी b माइनस सी सी माइनस ए ऐड करेंगे तो ये सब कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो 0 आ गया। और x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, देन
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। ये मेरे पास न्यूमरेटर था, मैं इधर डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर क्या आएगा, 3xyz, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है a माइनस बी, वाई की वैल्यू क्या है b माइनस सी, और z की वैल्यू क्या है c माइनस ए। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा डिनोमिनेटर आ गया। अब हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या था, 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3 ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब यहां पे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं, इसे ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी बी प्लस सी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख सकते हैं। और डिवाइड हम कर रहे हैं किससे, 3 ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए से। तो 3 से 3 कैंसिल, ए माइनस बी कैंसिल, बी माइनस सी कैंसिल, सी माइनस ए कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। एक और लास्ट सिमिलर क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी आइडेंटिटी के ऊपर। मुझे इवेल्युएट करना है -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब विदाउट कैलकुलेटिंग देयर क्यूब्स। कैसे करेंगे, ए मेरे पास है -12, बी मेरे पास है 7, सी मेरे पास है 5। चेक करो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 प्लस 12 जीरो हो गया। तो ये वैल्यू जब जीरो आ गई तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc। 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है -12, बी की वैल्यू क्या है 7 और ये वैल्यू क्या है 5। इन्हें क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, यह आ गया -36 इंटू 35। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा।